न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। खरगापुर पुलिस ने गोवंश की तस्करी कर रहे ट्रक सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। टीकमगढ़ जिले के नगर खरगापुर थाना के खरगापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रात के अंधेरे में गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा। बुधवार की रात भेलसी रोड महादेव वाटर प्लांट के पास से ट्रक को पकड़ा। ट्रक क्रमांक MP09HG5919 जतारा से आ रहा था और बलदेवगढ़ की ओर जा रहा था। रात्रि में पुलिस गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर द्वारा TI खरगापुर वीरेंद्र सिंह पवार को सूचना मिली। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर महादेव वाटर प्लांट के पास से ट्रक को पकड़ा। ट्रक में 26 बछड़े थे, जिसमें एक मरा हुआ था। बछड़ों को खरगापुर गौशाला में छोड़ा गया और मरे हुए बछड़े को पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है, गौ वंश से भरा ट्रक ग्वालियर के पास से भरकर सिवनी ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। जब आरोपी से पूछताछ की तो उसका चालक गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन सहित फरार आरोपी की तलाश कर रही। टीकमगढ़ से MP7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सुरेंद्र सिंह परमार। आपको बताना चाहेंगे, आज रात 5 तारीख की रात में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि जतारा तरफ से ट्रक आ रहा है, जिसका नंबर MP09HG5919 है, जिसमें गौवंश तस्करी करके ले जाए जा रहे हैं। सूचना चूँकि गंभीर थी, इसमें हमारे थाने के स्टाफ, इसमें हमारे उप निरीक्षक नीतीश जैन हैं, राजीव सिंह हैं, दीपक हैं, मनीष हैं, पटेरिया जी हैं, रामकिशन हैं, प्रवीण वगैरह, इन लोगों ने के साथ मिलकर हम लोगों ने कुरीला चौराहे पे स्टॉपर वगैरह लगा के उस वाहन को रोकने का प्रयास किया। तो उस वाहन का चालक ट्रक को भगा के और आगे बल्लीगढ़ ट्रक रोड तक ले जाने लगा। तो आगे जाके फिर अपने महादेव वाटर प्लांट है, वहाँ पर जाके उस के ड्राइवर ने ट्रक को रोक के और वहाँ से भाग गया। ट्रक में एक और व्यक्ति मौजूद था, जिसका नाम तौफीक खान, सन ऑफ शहीद खान, ये टीकमगढ़ का रहने वाला है, जो अपने आप हेल्पर बता रहा है, उसको पकड़ा गया। साथ ही बाकी स्टाफ के द्वारा भागे हुए ड्राइवर की पता तलाश की गई, लेकिन चूँकि रात का समय था तो ड्राइवर भाग गया। तो इसके द्वारा बताया गया कि ट्रक के अंदर बैल हैं, जिन्हें ये लोग ग्वालियर से नागपुर तरफ ले जा रहे थे बिछड़ खाने के लिए। मौके पे ट्रक को खुलवा के देखा तो इसमें 26 नग बैल मिले, जिनमें से एक मृत बैल था। रात में ही फिर हम लोगों ने गौशाला है जो अपने घर का फोन है, वहाँ पे इन जानवरों को उतरवाया, सुरक्षित करवाया और बाद में इसमें हमने पकड़ पंजीबंद किया है।